जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए सेना और सिविल प्रशासन की ओर से कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो युवा जो सेना में जाना चाहते हैं और वो इसके लिए पूरी तरह योग्य भी हैं, पर जरा सी गलती के चलते वो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं। और वो यह गलती जानबूझकर बिल्कुल नहीं कर रहे, बस कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव हो या फिर किसी टेक्निकल कारण के चलते उनसे यह गलती हो रही है और वो फिर इस भर्ती से सीधा हम बाहर किए जा रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि अभी अग्निवीर सेना भर्ती के लिए इंद्रा ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और आज आवेदन का अंतिम दिन है, यानी आज लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। देखिए, अब तक देश भर से लाखों युवा अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन इन युवाओं में से सैकड़ों हजारों युवा ऐसे भी हैं जिनसे ऑनलाइन आवेदन करते समय उनके फॉर्म में कहीं पर भी कुछ ना कुछ गलतियां रह गई हैं। जैसे मान लीजिए अभ्यर्थी के नाम में कोई गलती रह गई हो, माता पिता के नाम में कोई गलती रह गई हो, एड्रेस आदि में कुछ गलती रह गई हो। और देखिए, यहाँ पर यह भी नहीं है कि अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो फिर उसमें आपको करेक्शन का भी कोई मौका नहीं मिलता है। ऐसे में जब ये अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए जाएंगे और जब उनके दस्तावेजों से उनके फॉर्म में दी गई जानकारी मिलान की जाएगी और जब वहाँ पर मैच नहीं होगी तो फिर उन अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। अब ऐसे में होना यह चाहिए कि देश भर के सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से आवेदन दिनांक खत्म होने के बाद 2-3 दिन के लिए जो भी उनको जैसा सुटेबल लगे उसके लिए उन्हें एक स्पेशल कैंप आदि लगाए जाए और जिनमें उन युवाओं को एक मौका और दिया जाए जिनके आवेदन करते समय आवेदन में कहीं पर भी कुछ गलतियां रह गई है, उन्हें सुधार का मौका दिया जाए। यानी अपनी व्यवस्था के अनुसार सेना भर्ती कार्यालय अपने अपने स्तर पर कैंप लगाए और इसके बारे में युवाओं को जानकारी दी जाए कि वो इस कैंप आदि में आकर अपने आवेदन में गलतियों को सुधार उनमें करवा सकते हैं। हालांकि इस तरह की पहल कई सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से हर बार की भी जाती है। जैसे अभी हाल ही में मेरठ सेना भर्ती कार्यालय ने इस तरह का हेल्प कैंप लगाकर अभ्यर्थियों के आवेदनों में त्रुटियों में सुधार किया है, 2-3 दिन वहां पर इस तरह का कैंप लगाया है। लेकिन इस तरह के कैंप सिर्फ एक जगह लगाने से कुछ नहीं होगा, देश के सभी सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से इस तरह के कैंप लगाए जाने चाहिए। या फिर कोई ऐसा ऑनलाइन अगर सिस्टम तैयार हो सकता है तो फिर ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कि युवा अपने आवेदन में रही गलतियों में सुधार करवा सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तरफ तो युवाओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सेना के बड़े बड़े अधिकारी इसको लेकर युवाओं को अवेयर कर रहे हैं, सेना में जाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी ओर जरा सी गलती के चलते वो युवा सेना भर्ती से बाहर हो रहे हैं जो सेना में जाने का जज्बा रखते हैं, उनके अंदर जोश है सेना में जाने के लिए और वो इसके लिए पूरी तरह पात्र भी हैं। बस उनसे क्या होता है कि जरा सी उनके आवेदन करते समय उनसे गलती हो रही है तो ऐसे में वो युवा गलती के चलते भर्ती से बाहर हो रहे हैं। इसलिए ऐसे युवाओं को एक और मौका दिया जाए ताकि वो अपने आवेदन में जो गलतियां रही हैं उनमें वो सुधार करवा सके और वो भी सेना में भर्ती होने के लिए पात्र हो सके। क्योंकि देखो, ये तो युवा हैं जिनके आवेदनों में कुछ गलतियां रही हैं, इनमें से काफी युवा ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास में यह आखिरी मौका हो और आवेदन में गलती के चलते वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे, तो इसके बाद तो वो फिर भर्ती में शामिल ही नहीं हो सके, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि वो ओवरएज हो जाए। इसलिए सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से विशेष कैंप आदि लगाकर इन युवाओं के आवेदनों में हुई गलतियों को सुधार करने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप में से कितने युवा ऐसे हैं जिनके आवेदन में कहीं पर भी कुछ गलती हुई है और अब आपको यह डर भी सता रहा है कि कहीं आपको भर्ती से बाहर तो नहीं कर दिया जाए और आप यह भी चाहते हैं कि सेना भर्ती कार्यालयों की ओर से इस तरह के कैंप आदि लगाकर आपके आवेदन में गलतियों में सुधार किया जाए, तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, आपके फॉर्म में यहाँ पर एक गलती हुई है और आप ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जरूर की जाए। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जरूर हमें उम्मीद है कि अगर ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो गलतियों के चलते सेना भर्ती से बाहर होंगे तो इनके लिए जरूर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से पहल की जाएगी और उनके लिए जरूर ऐसे कैंप भी लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।